प्रदेश में बीजेपी के 6 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्वेत पत्र 2017 जारी किया। योगी ने कहा कि श्वेत पत्र में हमारी सरकार की कामकाज का ब्यौरा दिया गया है। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी, इन सरकारों ने प्रदेश के विकास कार्यों को ठप किया। योगी ने पूर्व सरकारों पर विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों पर 91,000 करोड़ का घाटा है। इससे साफ जाहिर है कि पिछली सरकार जन विरोधी भ्रष्टाचार युक्त थी। सीएम योगी ने साथ ही ये भी कहा कि जनता को पिछली सरकार की काम जानने का हक है। श्वेत पत्र लाया जाना जनता के प्रति जवाबदेही का उदाहरण है। मेरठ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक महारैली का आयोजन किया। इस रैली में माया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद पहली बार रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि महाराणा प्रताप के नाम पर जानबूझकर हिंसा फैलाई, बीजेपी इस बहाने मेरी हत्या करवाना चाहती थी। मायावती ने एक बार फिर ईवीएम पर गड़बड़ी को हार का कारण बताते हुए कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी को उनकी पार्टी ने उजागर किया। माया ने साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद दलितों पर उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और बीजेपी दलित समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी, डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मोहसिन रजा ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। विधान भवन के तिलक हॉल में सभापति रमेश यादव ने उन्हें शपथ दिलाई। सीएम योगी समेत सभी नेता निर्विरोध चुने गए थे। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। कन्नौज पहुंचे शिवपाल यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग सपा में होने के बाद भी बीजेपी से मिले हुए हैं। शिवपाल ने किसानों की फसल बर्बादी को लेकर कहा कि आलू के दाम इस सरकार में और गिर गए, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ी है। आगरा पहुंचे डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, बस इसे भव्य स्वरूप देना बाकी है। फरुखाबाद में प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने 4 दर्शन से अधिक छात्रों को प्रमाण पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया। बांदा पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने तेल की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए कहा कि तेल की कीमतें बढ़ी नहीं, घटी हैं। जो लोग इसे देख रहे हैं उनका नजरिया गलत है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 36 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी कर ली है। फरार चल रहे पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के कंगाल पाड़ा में बच्चों के विवाद ने विकराल रूप ले लिया है। इस घटना में दोनों पक्षों ने जमकर पथराव किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। इटावा पुलिस ने फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश सुंदर यादव का एनकाउंटर कर दिया। सुंदर यादव 2016 में पेशी पर जाते समय पुलिस की कैद से फरार हो गया था। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3,000 नकली दूध और बड़ी मात्रा में केमिकल के साथ कई उपकरण भी बरामद किए हैं। देश की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।